डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू किड्स मेजर्स। यूएमएल डायग्राम्स के जो स्ट्रक्चरल डायग्राम्स की कैटेगरी है उसके अंदर दो इंपॉर्टेंट डायग्राम्स आते हैं, क्लास एंड ऑब्जेक्ट डायग्राम। और जब भी हम स्ट्रक्चरल डायग्राम्स की बात करते हैं जिसके अंदर ये दोनों कैटेगरी आती है, वो बताते हैं स्टैटिक बिहेवियर ऑफ द एप्लीकेशन। मतलब आप कोई भी एप्लीकेशन, वेबसाइट है, मोबाइल ऐप है, कुछ भी डिजाइन कर रहे हो, जो उसका एक स्टैटिक व्यू है, मतलब जो चीज हिलती नहीं है, जो एज इट इज उसके कॉम्पोनेंट्स हैं, एट्रीब्यूट्स हैं, उनके बीच में रिलेशन है, जब भी हम स्टैटिक की बात करते हैं तो हमेशा स्ट्रक्चरल डायग्राम्स की बात करते हैं और उसके अंदर आते हैं क्लास एंड ऑब्जेक्ट। इसके अगर हम कंपेरिजन में बात करें, जो बिहेवियर डायग्राम है जो मैं ऑलरेडी आपको करवा चुका हूं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी, ऊपर आई सेक्शन में भी आ रहा है, जहां पे हमने डायनामिक बिहेवियर के बारे में बात की थी। और सिंपल सा एग्जांपल है, कार का एग्जांपल ले लो। अब कार के अंदर फिक्स क्या है, जो उसका इंजन है, जो चेसी की हम बात करते हैं, नंबर ऑफ डोर्स, वो फिक्स है। ये चीजें क्या है, स्टैटिक कंपोनेंट्स के अंदर आती हैं। और डायनामिक मतलब कि कैसे मैंने क्लच डाला, कैसे कार मूव कर रही है, एग्जॉस्ट सिस्टम कैसे काम कर रहा है, एसी कैसे काम कर रहा है, वो क्या है, डायनामिक, जो चीजें चल रही है। तो उसी के कॉरेस्पॉन्डिंग यहां पे आपको समझना जरूरी है कि क्लास एंड ऑब्जेक्ट डायग्राम से हम क्या डिपिक्ट कर रहे हैं, क्या रिप्रेजेंट करने की कोशिश कर रहे हैं, स्टैटिक कंपोनेंट्स ऑफ द एप्लीकेशन। जो भी सॉफ्टवेयर की बात कर लो उसके स्टैटिक कंपोनेंट्स। तो यहां पे क्लास डायग्राम्स आर स्टैटिक डायग्राम्स, इट रिप्रेजेंट द स्टैटिक व्यू ऑफ द एप्लीकेशन, जो हिलता नहीं है, जो एज इट इज खड़ा है। अगर आप ई कॉमर्स वेबसाइट पे जाते हो, वहां पे आपको एक डिजाइन दिखता है, एक कॉन्सेप्चुअल डिजाइन दिखता है ना, कि यार यहां पे आप सर्च कर सकते हो, कि अगर आपने शूज देखने हैं, क्लोज देखने हैं, या फिर आपने पर्टिकुलर चीज को सर्च करना, तो कुछ डिजाइन जो है वो फिक्स रहता है। हाँ, कुछ चीजें ऐड ऑन होती है, नए कपड़े ऐड हुए, कुछ पुराने डिलीट हुए, कोई नया ऑफर आया, कोई पुराना ऑफर गया, वो डायनामिक के अंदर आ गया। तो यहां पे ये सारे स्टैटिक व्यू को कवर करता है और बड़े अच्छे से रिप्रेजेंट करता है। डायनामिक बिहेवियर को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे, यहां पे स्टैटिक व्यू को रिप्रेजेंट करते हैं। क्लास नेम, एट्रीब्यूट्स, मेथड्स, जो भी क्लास होती है, क्लास एक्चुअल में क्या होती है, ऊप्स के अंदर जब भी हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की बात करते हैं, C++, जावा, इवन पाइथन में भी मैं अभी कवर करवा रहा हूं, तो जब भी हम ऊप्स के अंदर बात करते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में, स्टार्ट कहां से होती है कहानी, क्लास एंड ऑब्जेक्ट से, क्योंकि उसके लिए ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में एवरीथिंग इज कंसीडर्ड एज ऑब्जेक्ट। तो यहां पे उस ऑब्जेक्ट का जो ब्लूप्रिंट है, उस ऑब्जेक्ट का जो डिजाइन है, वो कहलाता है क्लास। और जो उस क्लास के बेसिस पे हमने रियल टाइम एंटिटी बनाई है, जो रियल टाइम इंस्टांस क्रिएट की है, वो क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। सिंपल सा एग्जांपल है यार, बिल्डिंग का नक्शा आपने देखा होगा, बिल्डिंग का 3D मैप आपने देखा होगा, बिल्डिंग का जो मॉडल बनाते हैं, एक डमी मॉडल बनाते हैं, वो क्या है, क्लास है, वो एक डिजाइन है। लेकिन अगर मैं उसको कॉन्क्रीट में कन्वर्ट कर दूं, वो क्या बन गया, ऑब्जेक्ट बन गया। ये सिंपल सी डेफिनेशन। तो यहां पे सबसे पहले क्लास के बारे में पता लग गया, एक डिजाइन बना रहे हैं, उसके डिजाइन के अंदर होगा क्या, क्लास का नेम हो गया, क्लास के अंदर क्या क्या एट्रीब्यूट होंगे, उसकी प्रॉपर्टीज जिसके अंदर हम डेटा को स्टोर कर सकते हैं, और मेथड्स की क्या क्या किया जा सकता है। एग्जाम्पल से आपको और क्लियर होगा। यहां पे मैं आज के टाइम पे बड़ा पॉपुलर फंडा चल रहा है OTT प्लेटफॉर्म्स का, क्योंकि बहुत सारे लोग सब्सक्रिप्शन लेके रखते हैं OTT प्लेटफॉर्म्स की, तो मैंने सोचा उसी का एग्जांपल लेके चलते हैं ताकि आपको इजीली सारी कहानी अच्छे से समझ आए। तो मैं यहां पे क्लास क्रिएट कर रहा हूं कस्टमर नाम की, मैं भी कस्टमर हूं, आप सब भी कस्टमर हो। आप क्या करते हो, OTT प्लेटफॉर्म पे रजिस्टर करते हो, मतलब OTT प्लेटफॉर्म पे जाके आप 1 महीने की 2 महीने की या 1 साल की सब्सक्रिप्शन लेते हो। और वैसे भी वर्ल्ड कप चल रहा है, तो डिज्नी हॉटस्टार भी आपने देखा ही होगा, अभी तो वैसे फ्री है, लेकिन फिर भी कई चीजें देखने के लिए हमें पैसे भरने पड़ते हैं। तो कस्टमर की आईडी, कस्टमर का नेम, कस्टमर की ईमेल आईडी, इस तरीके से हम लोग क्या क्रिएट कर रहे हैं, प्रॉपर्टीज, डेटा क्रिएट कर रहे हैं, वेरिएबल्स भी आप इसको बोल सकते हो, ये क्लास की प्रॉपर्टीज हैं। लेकिन मेथड्स भी जरूरी है, मेथड मतलब कि क्या कर सकते हैं हम, उसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं, या फिर मैं देख सकता हूं अपनी, व्यू कर सकता हूं सब्सक्रिप्शन डिटेल को, मैं अपनी डिटेल को चेंज भी कर सकता हूं, बहुत सारे मेथड्स इसके अंदर क्रिएट कर सकते हो। मैंने जस्ट कुछ-कुछ मेथड्स, कुछ-कुछ डेटा जो है वो डालने की कोशिश किया ताकि आपको कहानी समझ में आ जाए। अब इसके अंदर आ जाती है क्लास OTT सब्सक्रिप्शन। अब OTT सब्सक्रिप्शन में हमने क्या किया हुआ है, लेट्स सपोज सब्सक्रिप्शन की कोई आईडी होगी, स्टार्ट मैंने कब किया, एंड कब होगी, प्लान का टाइप कौन सा है, क्वार्टरली है, मंथली है, क्या है, और फिर सब्सक्रिप्शन के अंदर मैं ऐड कर सकता हूं, मतलब मैं सब्सक्राइब कर सकता हूं, मैं अनसब्सक्राइब कर सकता हूं, ये मेथड्स, ये फंक्शंस है जो हम कर सकते हैं। फिर इसी जो OTT सब्सक्रिप्शन के अंदर हमने यहां पे एक और चीज शो करने की कोशिश की है, इनहेरिटेंस। यहां पे ये क्या है, एक सुपर क्लास है, इस सुपर क्लास के आगे 2 सब क्लासेस आ गई। अगर 2 सब क्लासेस दिखानी है तो दिखा सकते हैं जी, बेसिक सब्सक्रिप्शन, प्रीमियम सब्सक्रिप्शन, एक होती है
बेसिक आपने एप्लीकेशन डाउनलोड की, कुछ कुछ चीजें जैसे अभी वर्ल्ड कप के अंदर अगर हम बात करें तो मैच आ रहे हैं तो आप डिज्नी हॉटस्टार करते हो तो उसके अंदर फ्री दिखाते हैं कि यार ये मैच अगर आपने देखने फ्री, लेकिन अगर मुझे कोई मूवी पसंद आ गई तो मूवी फ्री नहीं है भैया, उसके लिए फिर आपको सब्सक्रिप्शन खरीदनी पड़ेगी। तो बेसिक हो गया, बेसिक के अंदर कुछ फंक्शनैलिटीज हम लोग उसको प्रोवाइड कर रहे हैं, वो ऐड भी कर सकता है कुछ चीजें, कुछ रिमूव कर सकता है। प्रीमियम के अंदर और भी एक्स्ट्रा चीजें आ गई, वो स्क्रीन को बढ़ा सकता है कि मैंने 4 स्क्रीन चाहिए, मेरे को 2 स्क्रीन चाहिए, तो वो चीजें भी सेट कर सकता है। तो ये एक तरह से डिपिक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहां पे क्लास डायग्राम में हम लोग क्या कर रहे हैं, क्लास डायग्राम में एक स्टैटिक व्यू दिखा रहे हैं कि यार कस्टमर के अंदर ये होना चाहिए, ओटीटी सब्सक्रिप्शन में ये होना चाहिए, अगर कोई बेसिक सब्सक्रिप्शन लेता है तो ये होना चाहिए, प्रीमियम के अंदर ये होना चाहिए। अब देखो ये क्या है, सुपर क्लास है, और ये क्या है, सब क्लास है। अब सब क्लास में आपको लगेगा कि सर इसके अंदर एक ही फीचर आएगा, अरे यार ये सुपर क्लास के जो फीचर्स हैं वो तो बाय डिफॉल्ट इसके अंदर है ही, आपको बार बार कॉपी करने की जरूरत नहीं है क्योंकि इनहेरिटेंस है यार, ये आपकी जो क्लास है सब क्लास ये यहां से इनहेरिटेंस कर रही है। तो इसके अंदर जो चीजें हैं वो सारी की सारी तो ये भी यूज कर सकती है, ये भी यूज कर सकती है, ये प्रॉपर्टीज इनहेरिट कर सकती है क्योंकि ये इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट हमने यूज किया। तो कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, कैसे लिखते हैं वो समझ में आ गया, सर इसको डायग्राम से कैसे बनाते हैं क्योंकि कॉलेज यूनिवर्सिटी एग्जाम में या कहीं पे हमें डायग्राम के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछते हैं, तो क्या है यार बड़ा सिंपल है, इस तरीके से आपको डायग्राम बनाना है, कस्टमर ओटीटी ये जो क्लास के नेम्स हैं उनको अच्छे से यहाँ पे मेंशन करो, फिर यहाँ पे आ जाते हैं जी आपके प्रॉपर्टीज की, प्रॉपर्टीज को मेंशन करो कि ये सारी आपकी प्रॉपर्टीज हैं और जो आपके मेथड्स हैं, जो फंक्शंस हैं उसको इस तरीके से लिखते हैं, और फिर यहाँ पे रिलेशनशिप एसोसिएशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि दो क्लासेज हैं, दो कॉम्पोनेंट्स हैं, इनके बीच में एसोसिएशन, टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप, जैसे मैंने बोल दिया 1 to many, तो 1 to many का मतलब क्या है, इसको हम एन से भी नोट कर देते हैं, 1 to many, 1 to many मतलब एक कस्टमर मैनी सब्सक्रिप्शन खरीद सकता है अलग अलग प्लेटफॉर्म्स की, तो 1 to many एसोसिएशन होगी, और इस तरीके से हम लोग जो है वो ये सुपर क्लास होगी। और अगर मुझे इसकी सब क्लासेस बनानी है, जनरलाइज करना है इसको, तो जनरलाइज किया जा सकता है 2 सब क्लासेस में, और उन सब क्लासेस के नाम रख दिए बेसिक एंड प्रीमियम। तो इस तरीके से आप एक बेसिक क्लास डायग्राम को डिपिक्ट कर सकते हो, रिप्रेजेंट कर सकते हो, इससे ज्यादा इसमें कुछ है ही नहीं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे इसी से आगे ऑब्जेक्ट डायग्राम्स की, क्योंकि ये कहानी समझ में आएगी तभी आपको ऑब्जेक्ट समझ में आएगा। थैंक यू।